जैसे कि आपने देखा, हमारी इंडियन मॉम एक सच्चे दोस्त की तरह बिहेव करने लग जाए तो कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा चिल्लाना नहीं, सिर्फ एक सच्चे दोस्त की तरह ट्रीट करे तो। इधर सामने बंदा है वो, तेरे लेफ्ट में भागा मारो यार। शाम हां क्या हुआ, बीजीएमआई खेल रहा तू? नहीं मम्मी वो, अरे मम्मी दोस्त लोग क्यों ऐसे यार? खेलना कौन मना कर रहा है, पर मुझे भी ऐड करना, मुझे भी खेलना है। आप बीजीएमआई खेलते हो? हाँ मैं खेलती हूँ, मुझे भी ऐड कर। ठीक है, यूजर आईडी बताओ आपका। सोल पूनम। आप सोल क्लैन में हो? हाँ मैं वहीं से सीखी हूँ, चलना ऐड करना। ओके सोल पूनम एडेड, आ जाओ। छी तूने क्या गंदे कपड़े पहने हुए, तेरी माँ के कपड़े देख जरा। ओके शाम तूने तेरी माँ का आरपी देखा? इतना ज्यादा? आप इतना पबजी खेलते हो? नहीं खरीदे हुए, सेविंग की थी ना पिछले महीने, सब डाल दिया इसमें। शाम देख कैसे मजे लेती वॉल पे। ए ऊपर से क्या बात कर रहा है, ज्यादा आग नीचे आग के दिखा ना, पोचन कितनी माँ खड़ी उधर ऐसे देगी ना, एक एक को हेडशॉट मारेगी नीचे देखे, वैसे मार डालेगी सबको, नीचे आके दिखाओ जरा। शाम नीचे क्यों उतारा यार, मजा आ रहा था ना वॉल पे बात करके। ब्रो 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 कोने खोपचे में नहीं उतारना, पोचन के में उतार, बहुत लोगों को मारूंगी देख, और अब कीड़ी बढ़ाना आज भी देख। मम्मी संभाल के खेलना। हाँ ठीक है तू भी यार। मम्मी स्मोक करो, जल्दी स्मोक करो। दी ना कौन सी सिगरेट है दी? गेम में स्मोक करो। ओ अच्छा गेम में स्मोक करना है, ठीक है करती हूँ। ओ शिट मर गई मैं, रिवाइव कर मुझे। हाँ कर रहा हूँ मम्मी, रिवाइव कर मुझे जल्दी। एक सेकंड जल्दी कर रहा हूँ। अरे एक सेकंड, मर गई ना मैं, मम्मी कर रहा था रिवाइव। नहीं किया ना नूब कहीं का, खाना मांग के दिखाना शाम को, खाना देती हूँ तेरे को। अरे हेलो मैम। हेलो श्याम, आई जस्ट गॉट योर रिजल्ट्स, तो सब में फेल क्यों हुआ है? मैम वो थोड़ी तबीयत डाउन थी और। एक काम कर, फोन अपने डैड को दे, आई वांट टू टॉक टू योर डैड। पापा? मैम पापा से क्यों बात करनी है, मैम को पापा से बात करनी है, पापा ने बात की तो लग गए मेरे। हेलो हाँ मैं शाम का पापा राजकुमार बोल रहा हूँ, बोलो। सर आपके बेटे के मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं आजकल। हाँ तो मैडम जो आपने पढ़ाया तो वही तो बेटे ने लिखा ना, तो पास नहीं हुआ तो आपने पढ़ाया क्या? अरे? तुमने अच्छे से नहीं सिखाया मेरे बेटे को, इसलिए उसका इतना नंबर आया। ऐसा करो पहले तुम अपने पापा को फोन दो, उनसे बात करते हो, तुमने क्या पढ़ाया, टीचर बनाया तुमने, आगे से इतना नंबर आया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा प्रिंसिपल को। सर आपकी आवाज कुछ अलग आ रही है, आप पक्का शाम के पापा ही बोल रहे हो ना? अरे हाँ 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 हाँ, वो थोड़ा सा गले में खराश है ना इसलिए थोड़ा सा। चलो फोन रखो अभी। अब बच गए साले गधे, पढ़ लिया कर थोड़ा सा, फिर अभी बाप का फोन लग जाता ना तो तेरी भी लग जाती, इतना तो पढ़ ले कि पास हो जाए। ठीक है जाता हूँ थोड़ा पढ़ने के लिए। अरे रुकना भी तो, एक गेम खेलते ना। चलो ओके कूल, आई सी इन 30 मिनट्स, ठीक है? हाँ चल, आई विल पिक यू अप, बाय बाय। कहाँ चली बच्ची? लक्ष्मण को मिलने, कॉलेज का दोस्त मेरा, याद है लक्ष्मण? अच्छा लक्ष्मण की लक्ष्मणी? नहीं नहीं वो ए बच्ची अपने भाई को नहीं बताएगा, सच बोल डेट पे जा रहा है ना? हाँ यार बाबा प्रियंका को मिलने जा रहा हूँ। कैसा पकड़ा पकड़ा ना, अच्छा ये क्या लगा रहा है? अच्छा ये मम्मी, दिस इज लॉरियल पेरिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल सीरम, बहुत बाप प्रोडक्ट है, फुल ऑन गेम चेंजर है। क्यों ऐसा क्या है इसमें? मम्मी दिस प्रोडक्ट इज वेरी लाइट थिन और एकदम नॉन स्टिकी है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, एंड दिस प्रोडक्ट कंटेन्स 6 रेयर फ्लावर्स ऑयल एज इंग्रेडिएंट्स, जिसकी वजह से आपके बाल एकदम शाइनी और हेल्दी रहते हैं। तो मैं भी यूज कर सकती हूँ क्या? ऑब्वियसली, ये डिपेंड नहीं करता कि आपका हेयर टाइप कैसा है, आपको मेरे टेक्सचर में डिफरेंस नहीं दिख रहा है कि पहले कैसा था और अभी कैसा है? अरे आप भी यूज करो, आपके बाल तो कितने ड्राई और फ्रिजी भी हो गए, आपको तो यूज करना ही चाहिए। ये लो। अच्छा और सुनो, उसको ना शैम्पू यूज करने के पहले यूज करना, एंड डू नॉट पुट इट ऑन योर स्कैल्प, और डेली यूज करना ताकि आपके बाल भी मेरे जितने अच्छे हो सके। थैंक्स ब्रो। वैसे तू डेट पे जा रहे ना, रुक लर्न फ्रॉम द बेस्ट, वो वाली नुक्कड़ वाली गली पे जाना नहीं, मेहता आंटी बैठी है पूरे मोहल्ले में कबर फैला देगी, फिर मैं बचाने वाली नहीं हूँ। और वो जो चौराहा है वहां से पापा के ऑफिस आने का अभी टाइम हो गया, अगर उन्होंने देख लिया तो मेरे से कोई उम्मीद मत रखना बचाने की। कूल कूल सुन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट है, देखिए स्मॉल गिफ्ट फॉर हर, से प्यार से बात कर, लेट हर ऑर्डर फर्स्ट, ओके बी ए जेंटलमैन एंड यू पे द बिल। सुन जाते जाते जरा मेडिकल स्टोर होते हुए जाना ना। मेडिकल स्टोर क्यों? अरे भूल गया क्या मेरी बीपी की दवाई? हाँ बीपी की दवाई ले लूंगा। हाँ, लेते हुए आना, मैं जाऊँ अभी। आ जा। पर
Kids these days. Swag sada desi sare loki sanu jaan de. पसंद आ गई क्या? मम्मी क्या मजाक कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। मुझसे छुपाएगा क्या? बोल बोल। या मतलब शी इज ब्यूटीफुल, अच्छी दिख रही है। चल आगे ले गाड़ी। कहाँ आगे ले? अरे आगे ले ना गाड़ी, चल। क्या पागल हो गया मैं? मजाक ले तो सही आगे गाड़ी। पक्का? पक्का। अरे बेटा। हाँ जी आंटी। आप यहाँ क्यों खड़े हो, किसी का वेट कर रहे हो क्या? वो हाँ, मैंने एक्चुअली कैब बुक की है ना, तो कैब बस आ ही रही है। अरे बारिश भी आने वाली है और ये एरिया भी बिल्कुल सुनसान है। अच्छा बेटा मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। जी आंटी कोई नहीं, वो कैब बस 2 मिनट अवे तो आ ही जाएगी। अरे बेटा कैब बुक हुई है तो कैंसिल भी तो हो सकती है ना। चलो चलो बैठो, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। ऐसे कैसे आंटी, मैं तो आपको जानती भी नहीं। अरे पगली तू तो मेरी बिल्कुल बहू जैसी। हाँ, मैं तुझे तो मेरी बेटी जैसी है ना बिल्कुल। चलो बेटा बैठो, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। और बेटा क्या नाम है तुम्हारा? आंटी हेतल। हेतल? अच्छा हेतल। अच्छा बेटा कहाँ ड्रॉप करना है बता देना जरा। ये बस आप आगे से राइट ले लोगे ना तो वहाँ पे शांतिवन अपार्टमेंट्स आएगा, बस वहीं पे रहिए। ओ शांतिवन? अरे शांतिवन में तो मेरा भाई रहता है बेटा, थर्ड फ्लोर पे। हाँ, अरे आंटी हाँ। मैं वहाँ पे ही रहती हूँ, फोर्थ फ्लोर पे, बट 402 में। अच्छा अच्छा फोर्थ फ्लोर पे, 402। बेटा यहाँ पे अकेले खड़े होके सुनसान जगह पे वेट कर रही थी, तो अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती ना बेटा। अरे नहीं नहीं आंटी मैं तो सिंगल हूँ। ओ सिंगल है बेटा? अरे बेटा आजकल मैं भी ना पूरा इंस्टाग्राम पे ना वीडियो देखती रहती हूँ ना, तो तुम्हारा आईडी दे दो, मैं तुम्हें भी फॉलो करूंगी ना तुम इंस्टाग्राम पे। जी आंटी बिल्कुल, आईडी है hetal.bhojak। श्याम hetal.bhojak, याद रखना, मुझे जरा भूलने की आदत है ना, तू जरा उसको लिख ले तो कहीं पे। हाँ मैं डाल दूंगा मम्मी घर जाके। बस यहाँ लेफ्ट पे रुका देना। यहाँ पे। ओके 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 बाय बेटा। बाय आंटी। अरे अरे सुन सुन सुन, आजकल ना मेरे को तो किसी पे भरोसा नहीं है। देख बेटा घर पे पहुंचना, मेरे को फोन जरूर कर देना। अच्छा मुझे अपना नंबर दे देना एक बार। जी आंटी 98206। ओके बेटा चलो बाय आंटी। बाय बेटा। बाय। शाम एड्रेस नाम नंबर सब कुछ मिल गया, मानता है ना? हाँ वो मैं ट्राई करता हूँ अभी। चले चल। ना बोला ना तेरे को एक बार, नो मींस नो। अरे पापा कल मेरे दोस्त लोग 5वीं बार गोवा जा रहे हैं और मैं आज तक एक बार भी नहीं गया सिर्फ आपकी वजह से। अरे भाड़ में गए तेरे दोस्त, बोला मेरे को मालूम है गोवा में जाके क्या होता है। ना बोला ना तेरे को एक बार, अर्जुन को जाना जा, दोबारा घर में मत आना मेरे वापस। ओके फाइन। क्या क्या ये कब हुआ? सुन रहे हो आप, मेरी फ्रेंड है ना हंसा, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, कल आप जा पाओगे क्या? नहीं आप तो कैसे जाओगे, आपकी तो ऑफिस की मीटिंग है, आप जा पाओगे क्या? मैं भी नहीं जा सकती, मुझे भी बहुत जरूरी काम। शाम शाम तेरे को जाना पड़ेगा। मम्मी मैं कहीं नहीं जा रहा। शाम तेरे को जाना पड़ेगा। मम्मी मैं नहीं जा रहा कहीं। अरे देख तेरे अंकल। ए, क्या अंकल कौन ही है? तू जानता नहीं ना अंकल को। सावंतवाड़ी जाऊंगा कल सुबह, लाओ 5000। 5000 बस से जाएगा क्या? 15000 तो इसको होटल में रुकेगा, 4 दिन का क्रियाकर्म का भी प्रोग्राम है, खाएगा पिएगा अच्छे से बेटा, उनका काम खत्म कर दिया। हाँ, पापा ये ले ये 15 है। हाँ, कुछ कम पड़े तो बोलना, मैं तेरे को ट्रांसफर कर दूंगा। ओके देख बेटा अच्छे से 3-4 दिन का उनका पूरा क्रियाक्रम का प्रोग्राम पूरा अच्छे से खत्म करके आना, ठीक है? अच्छे से कल सुबह निकल जाऊ मम्मी। कल सुबह जाऊ ना पापा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को उनकी बॉडी को धीरे से कॉफिन में लिटाना पड़ेगा, मेरे को फ्लावर्स उनकी बॉडी पे बिछाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। साला ये मैयत में जा रहा है क्या, शादी में जा रहा है? शाम शाम शाम। अरे उठ ले ना, सुबह से बेड में पड़ा है, कब से शाम शाम बुला रही हूँ, सारे दिन फोन में बिजी एमआई और ये लड़कियों को घुमाना, फालतू के काम, सब्जी लेके आ और धनिया फ्री लेके आ, कुछ काम नहीं करना है, निकम्मा हो गया, सारे दिन बेड में पड़ा रहता है, पता नहीं किस ख्यालों में खोया रहता है, कुछ काम दिखता नहीं है घर का। हे गाइस, सुनो वीडियो को लाइक करना, जो पार्ट अच्छा लगा वो नीचे कमेंट करना और अपनी मम्मियों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि इसमें मैं थी।
पूरा लाइन रटे हुए है ना. एंड ऑल्सो गाइज डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दिस प्रोडक्ट लॉरियल पेरिस एक्स ऑयल सीरम. मैंने ये प्रोडक्ट अपने बालों में 6 घंटे पहले लगाया था और देखो अभी भी मेरे बाल एकदम फ्रेश फ्री है और ये प्रोडक्ट ना आपके बालों को काफी हेल्दी भी रखता है. ऑल्सो दिस इज अवेलेबल इन बोथ 30ml एंड 100ml बॉटल्स. इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज चेक इट आउट. और आंटी यार देखो ना इन लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, 3 मिलियन कब पहुंचेंगे अपन. हाँ, मैं सबसे बोलती हूँ जिसने भी नहीं किया आजू से ले लो, बाजू से ले लो, पड़ोसी से ले, सबके मोबाइल लेके वो नीचे सब्सक्राइब कर दो. अगर अच्छा लगा तो मैं जल्दी फिर आऊंगा. आपको चाहिए क्या आंटी आए तो कॉमेंट्स में बताओ. बाय. Bachi gang, 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 bachi gang.